हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो गाइज, आज मैं आपके लिए स्वीट की रेसिपी लेके आई हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारी स्वीट की रेसिपी आपके साथ शेयर किए हैं, और वीडियो के लास्ट में हमारे स्क्रीन पे स्वीट की पूरी एक प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी, जिसे आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारी मिठाइयों को बनाने की विधि शेयर की है, तो आप उसमें से कोई भी मिठाई ट्राई कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया मिठाई लेके आई हूँ, और ये सिर्फ मिल्क पाउडर से तैयार होने वाली मिठाई है। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, इसमें आपको घंटों मेहनत नहीं करना है, और ना ही आपको घंटों मावा बनाना है इसके लिए। तो आप इसे मिल्क पाउडर से रेडी कर सकते हैं। स्वाद इतना बढ़िया आता है ना कि कोई भी खाने के बाद ये नहीं कह सकता कि ये मिल्क पाउडर की मिठाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आप न्यू हैं तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज अब मिल्क पाउडर से मिठाई तैयार करने वाले हैं। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी होती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे पनीर और मिल्क पाउडर दोनों बराबर क्वांटिटी में मैंने लिया है, देख सकते हैं आप। बड़ा सा बाउल है, इसे आधा बाउल से थोड़ा सा ऊपर तक मिल्क पाउडर है, और उतना ही हमारा पनीर है ग्रेड किया हुआ। तो पनीर बिल्कुल घर का है, जिस तरीके से छेना निकालते हैं घर पर, वैसे ही मैंने निकाल के इसे तैयार किया है। तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से घर में छेना तैयार करते हैं, जिससे कि आप बर्फी और छेना की मिठाई, पनीर की सब्जी, जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। तो वही मैंने ले लिया है यहाँ पे। इसके अलावा चीनी मैंने एक कप लिया है, एक कप जो नॉर्मल चाय पीने वाला कप होता है उसी से मैंने एक कप यहाँ पे दूध ले लिया है, और 4 से 5 चम्मच मैंने देसी घी लिया है, 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर लिया है। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, और इस कढ़ाई में मैं यहाँ पे 3 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी को हम मेल्ट करेंगे, तो जैसे ही ये घी मेल्ट हो जाए फ्लेम को मैंने लो किया है, और इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद फ्लेम को लो करना है, लगातार चलाना है ताकि कोई भी गुठली इसमें ना पड़े। तो लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे लगातार चलाते हुए। तो फ्लेम बिल्कुल लो है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम 1 कप दूध डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो देखिए ये ड्राई मावे की तरह हो चुका है। तो अब हम इसमें ग्रेड किया हुआ जो पनीर है इसे डालेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है आपको, और लगातार चलाते हुए इसे हम मिक्स करेंगे। इसी के साथ ये जो इलायची पाउडर है इसे भी हम ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पनीर और मिल्क पाउडर आपस में अच्छे तरीके से मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच घी फिर से डाल रही हूँ। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है, नॉर्मली चाय पीने वाले कप से 1 कप। आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम डालना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। और लो फ्लेम पर हम इन्हें लगातार चलाते हुए पका लेंगे। जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे वैसे वैसे ये थोड़ा मेल्ट होगी चीनी, उसके बाद ये फिर से ड्राई होनी शुरू हो जाएगी, फिर हम इसे जमा देंगे। तो देखिए अभी ये काफ़ी गीला हो चुका है, तो अब हम इसे चला चला के पकाएंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, फिर हम इसकी बर्फ़ी जमाएंगे। तो देखिए बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठा हो गया है हमारा मावा, तो गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे जमाने के लिए कोई भी कंटेनर या फिर थाली कुछ भी ले सकते हैं। तो मेरे पास इस तरीके से एक डब्बा है, इसमें मैं हल्का सा घी से ग्रीस कर रही हूँ। तो देखिए मैंने सारा मिश्रण इस कंटेनर में डाल दिया है, ऊपर से हल्का सा बादाम से गार्निशिंग कर दिए हैं। अब हम इसे 2 से 2.5 घंटे तक खुले में बाहर रख देंगे ताकि ये बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप इसे जल्दबाजी में जमाना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं 0.5 घंटा से 40 मिनट तक के लिए, 40 मिनट में आपकी बर्फ़ी सेट हो जाएगी। तो मैं इसे बाहर ही रखने वाली हूँ 2 से 2.5 घंटे। तो देखिए यहाँ पे 3 घंटे हो चुके हैं, बर्फ़ी एकदम अच्छे तरीके से सेट हो गई है, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब हम इसे कट करेंगे, तो पीसेस को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा चाहें वैसा कट कर सकते हैं। ये देखिए मैं बहुत बड़े बड़े भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, नॉर्मल साइज़ का पीस कट कर रही हूँ इस तरीके से, और ये बर्फ़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए हमारी ये मिठाई बिल्कुल मस्त तैयार हो गई है, इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, देख भी सकते हैं आप। बिल्कुल कोई भी नहीं कह सकता कि ये हमने मिल्क पाउडर से तैयार किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।